हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज है थर्सडे 3rd of November एंड आज हनी पनी के स्कूल में फ्लैग डे सेलिब्रेशन है। यूएई फ्लैग डे सेलिब्रेशन, तो उसी कलर का फ्लैग कलर का ड्रेस पहन के जाने के लिए बोला था, साथ में एक फ्लैग लेने के लिए बोला था। तो यही डे टू डे से हम लोग टी शर्ट ले आए थे। फ्लैग उनका लास्ट ईयर का ही था, टी शर्ट उनके पास नहीं था तो टी शर्ट बस लेके आ गए थे। तो बस ब्लैक कलर का पैंट है, मतलब ब्लैक कलर भी है इसमें तो, एंड फ्लैग के जो भी कलर्स हैं वो सब भी है। एंड बस फ्लैग लेके वो स्कूल चले गए एंड बेबो गई उनको छोड़ने के लिए लिफ्ट तक। देखिए उसके बाद मैं आ गई थी जीत के लिए लंच बनाने के लिए। एंड हनी बनी भी पराठा ही लेके जाते, आपको पता है मोस्टली, मतलब हफ्ते में आप मान लीजिए कि अगर 5 दिन में से वो 4 दिन पराठा लेके जाते, एक दिन फ्राइडे जिनका हाफ डे, जिस दिन हाफ डे होता है ना उस दिन वो पराठा लेके नहीं जाते। एंड जीत भी 3-4 दिन पराठा ही लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं ऐसे ही पराठा बना लेती हूँ। उसके ना मतलब थोड़ा सा अंदर को घी लगा, अंदर में घी लगा के, या आप ऑयल भी लगा सकते हो, बट मैं घी लगाती हूँ। घी लगा के ऐसे इसको, चाहे आप को मतलब जो ट्राइंगल शेप हो या स्क्वायर शेप हो, जो भी हो वैसे आप भर के ऐसे दो ना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है। मतलब आप मान लीजिए 24 घंटे तक ये पूरा सॉफ्ट ही रहता है, तो अच्छा भी लगता है खाने में। क्योंकि जीत तो खाते खाते उनको 2 बज जाता है, हनी बनी तो फिर भी वो खा लेते हैं 9, 9:30 बजे उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है, बट जीत को खाते खाते 2 बजता है। तो काफ़ी सॉफ्ट रहता है, अंदर ऐसे घी या ऑयल कुछ भी ऐसे डाल के फिर उसको जो भी शेप देना है उसको दे के आप अच्छे से सेक के दे सकते हो। सो यहाँ पे मैं जीत के शर्ट्स वॉश करने जा रही थी, एक शर्ट पे उनके वैक्स गिरा था तो मैंने गरम पानी में डाल के रखा। हाँ ये मेल्ट हो गया ना, ये देखिए बस। देन अभी इसको मैं वॉश कर सकती हूँ। 3-4 जगह आई थिंक दिवाली का डला हुआ है, उन्होंने मुझे बताया नहीं, मैं अभी वॉश करने जा रही थी तो ये देखो सारा वैक्स निकल रहा है। सो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ एंड शैम्पू कर लिया है मैंने। एंड अभी मैंने होममेड एक प्रोटीन मास्क बनाया है, वही मैं अप्लाई करूँगी, क्योंकि आपको जैसे पता है मेरे बाल जो है वो केमिकली ट्रीटेड है। मैंने हेयर कलर भी किया है तो इसीलिए मतलब बीच बीच में है प्रोटीन ट्रीटमेंट, हेयर स्पा वगैरह करना ज़रूरी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है। एंड स्पेशल मैं जो विंटर्स में ना उसको टेक केयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे डैंड्रफ भी हो जाते हैं विंटर्स में। एंड डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प इचीनेस हो जाता है, शाइन कम हो जाता है, ड्राई रफ से हो जाते हैं, तो इसीलिए प्रोटीन ट्रीटमेंट करना एंड स्पा वगैरह करना जरूरी है। तो मैंने घर पे एक प्रोटीन मास्क बनाया है, कुछ दिनों पहले मैंने भी अप्लाई किया था, बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप एक बार जरूर ट्राई करना। मतलब शाइन भी आ जाता है बालों में, हैंड डैंड्रफ भी कम होते हैं, सिल्कीनेस आ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने शैम्पू कर लिया, क्योंकि शैम्पू करने से ना आपके हेयर के जो फॉलिकल्स है वो ओपन हो जाते हैं। देन आप कोई भी मास्क वगैरह अप्लाई करते हो, कंडीशनर अप्लाई करते हो, स्पा वगैरह अप्लाई करते हो, स्पा क्रीम वगैरह, तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब होते हैं। तो चलिए मैंने हेयर वॉश कर लिया, अभी मैं अप्लाई कर लेती हूँ। आप देख के आइए मैंने ये कैसे बनाया है। एंड इसको ना अच्छे से रूट में भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप यहाँ पे स्काल्प पे रूट्स पे भी अच्छे से अप्लाई करके देन बालों को ऐसे सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हो। तो पहले मैं अप्लाई कर लेती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ उसके बाद मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेयर मास्क बनाने के लिए, प्रोटीन मास्क बनाने के लिए मैंने लिया है 1 अंडा। तो अगर आपको ना थोड़ा सा, अगर जिसको भी प्रॉब्लम है कि हाँ अंडे से स्मेल आता है, कुछ आता है, तो आप ये एक योक निकाल देना, वाइट खाली लेना, देन 2 अंडे का वाइट ले लेना, योक निकाल देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने 1 फुल अंडा लिया है। देन मैं यहाँ पे लूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी। हल्दी में जैसे कि आपको पता है एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरपूर है ये, तो जैसे मतलब सर्दियों में डैंड्रफ वगैरह हो जाते हैं या थोड़ा सा कुछ मतलब आपके स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं ना बालों में, मतलब जो स्काल्प पे, तो इससे वो बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा एंड डैंड्रफ भी इससे कम होता है। देन इसमें मैं लूँगी 1 स्पून विटामिन ई ऑयल, ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपको मतलब नेचुरल शाइन भी देगा, देन आपके बालों को सिल्की भी बनाएगा। तो ये मैंने 1 स्पून विटामिन ई ऑयल लिया है। देन इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 चम्मच दही, खट्टी वाली दही हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो आप ऐसे भी ले सकते हो। दही में जैसे कि आपको पता है प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच दही ले लिया। देन इसमें हम लोग लेंगे एलोवेरा जेल, ये भी 2 चम्मच हम लोग लेंगे।
देन हम लोग यहाँ पे लेंगे 2 चम्मच मेयोनीज। तो मेयोनीज जैसे कि आपको पता है इसमें अंडा भी होता है, इसमें मतलब ऑयल भी होता है, तो ये बहुत मतलब प्रोटीन का एक बहुत रिच सोर्स है। तो इसमें हम लोग 2 चम्मच मेयोनीज लेंगे, तो ये हमारे बालों के लिए मतलब प्रोटीन ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी सारी चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्लेंडर में डाल के, ब्लेंडर जार में डाल के इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे, उसका एक मतलब वो टाइप का बना, मतलब मास्क टाइप का जो है वो बना लेते हैं। बालों में पूरा अप्लाई कर लिया है, यहाँ पे एक क्लचर लगा लिया है एंड एक शावर कैप जो है वो लगा लूंगी। अगर आपके पास शावर कैप नहीं है देन कोई भी पन्नी वगैरह जो है वो भी आप सर पे ऐसे लगा लीजिए। देन आपको उसमें हीट देना है। ये देखिए दोनों कैसे साथ साथ सो रहे हैं। सो कोई भी आप हेयर मास्क लगा रहे हो या क्रीम लगा रहे हो, स्पा क्रीम वगैरह, या हेयर ऑयलिंग कर रहे हो ना, तो अगर आप बालों में थोड़ा सा हीट देते हो ना तो वो अच्छे से अब्जॉर्ब होता है आपके बालों में, अच्छा रिजल्ट देता है। तो मैंने शावर कैप लगा लिया है एंड मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये एक मशीन मतलब ये एक कैप मैं लेके आई थी, ये उसका ऐसे मतलब ये आप कनेक्ट करोगे ना तो इससे हीट प्रोवाइड होता है, मतलब एक जैसे पार्लर वगैरह में होता है ना वो स्पा में, स्पा के बाद लगाते हैं जो, तो उसी टाइप का ही हीट प्रोवाइड करता है। तो ये मेरे पास है, ये अमेजोन का लिंक मैं दे दूंगी, ये मैंने इंडिया अमेजोन से मंगवाया था, 250-300 के कुछ आया था। अगर ये आपके पास नहीं है देन आप शावर कैप लगा लीजिए, हेयर ड्रायर आपके पास होगा तो हेयर ड्रायर का जो हीट हेयर है ना, मतलब जो एयर है ना, तो उसको ऐसे ब्लो कर देना, तो वो भी उससे भी काफी हीट अच्छा सा वो अब्सॉर्ब होगा। नहीं तो हेयर ड्रायर भी नहीं है देन आप मतलब टॉवल को गर्म पानी में डिप करके उसको अच्छे से निचोड़ के देन वो आप जो गर्म टॉवल को आप ऐसे शावर कैप के ऊपर रैप कर दें, डायरेक्ट रैप मत करना, ऐसे शावर कैप के ऊपर या किसी भी पन्नी को ऐसे अप्लाई करके उसके ऊपर ऐसे ही रैप कर देना हॉट टॉवल को, या हेयर ड्रायर यूज कर सकते हो, या ये अगर आपके पास है तो आप ये यूज कर सकते हो। तो मेरे पास ये है तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ अभी एंड इसको आपको 45 मिनट से एक घंटा ये मास्क को रखना है, देन उसके बाद आप उसको वॉश कर लेना। हीट आप मतलब 15-20 मिनट दे सकते हो, देन आप उसको नॉर्मल छोड़ दो, आप अपना घर का काम कुछ भी करते रहो, देन आप नॉर्मल हेयर वॉश कर लो। सिम्बा इसके गले से ये निकालने की कोशिश कर रहा है। नो सिम्बा नो, ये देखो उसके गले से ये निकालने की कोशिश कर रहा है। नो सिम्बा नो 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 सिम्बा नो, उसको बड़ा तकलीफ हो रहा है ना कि उसके गले में ये क्यों लगा है। देखो ये भी मुझे रोक रही है। तो ये बेबो के लिए हम, मैंने जो कल बताया था ना कि मैंने एक आफ्टर सर्जरी सूट जो है वो ऑर्डर किया था, वो सुबह डिलीवर हो गया, बट ये क्या हुआ ना फिर मतलब वो हो गया, बड़ा साइज का निकला, तो वो पहन के चलने पे ना वो निकल जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको रिटर्न के लिए डाल दिया है एंड दूसरा मैंने एक ऑर्डर कर दिया एंड थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके सेम डे डिलीवरी कराया है ताकि शाम तक ये डिलीवर हो जाएगा, तो फिर मैं इसको पहना दूंगी एंड ये जो कोन है ये निकाल दूंगी एंड ये गर्म होना स्टार्ट हो गया। बहुत अच्छा लगता है मुझे ना, हेड मसाज कराना, फुट मसाज कराना बहुत अच्छा लगता है, हेयर ऑयलिंग कोई करके देना बहुत अच्छा लगता है, बट हाँ ना हो तो खुद से करके ये इस टाइप का कुछ गर्माहट ऐसे सर पे लगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस अभी आराम से मैं 15 मिनट इसको ऐसे हीट दूंगी थोड़ा सा, देन उसके बाद नॉर्मल छोड़ दूंगी एंड वॉश कर लूंगी फिर। सो आप किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लेना है, पहले भी हमने शैम्पू किया है तो थोड़ा सा बस और अप्लाई करके वॉश कर लेना है। सो गाइज अराउंड 45 मिनट्स हो गया है, आप ज़्यादा टाइम भी रख सकते हो बट मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, मुझे हनी बनी को पिक करने भी जाना है स्कूल, तो मैं अभी इसको वॉश कर लूँगी। थोड़ा सा ऐसे निकला है, बह रहा है क्योंकि थोड़ा पतला है ना वो जो मास्क, तो ठीक है हेड मास्क लगा के रहो तो कुछ नहीं, थोड़ा बहुत निकलेगा तो टिश्यू से पोंछ लेना। तो बस अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, हनी बनी को पिक करके आती हूँ, देन मैं मतलब ड्राई होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। What happened in school today? Tell me first. Some
people sing Arabic. Arabic song? Yeah. And everyone wearing this flag dress? Yeah. Very good. But and some are who don't have flag dress, some are wearing some other dress. Oh, yeah. That is, but flag color, no? Green color, red color like this? Yeah, they are wearing that. But some are wearing some other colors. And no, not with UA flag. But I see my friend name is Ishal and she is wearing UA flag. Color and but there's some butterfly on it, like something. Yeah. Oh, like and we was playing haunted house. You know what means haunted house? Haunted house means we was playing a treasure hunt. We need to find a treasure. Okay. And now can you please sit down? Dugulu. Time now we was doing. Sit down. सिंपल सा आलू दम बना रही हूँ, बस आलू दम और रोटी आज डिनर में। तो बस वही जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड टमाटर पाउडर, मसाले, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, वही सब कुछ ऐड करके आलू को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लिया था। तो अभी मसाले के साथ में आलू को हल्का सा भून के इसमें गर्म पानी, जितना भी ग्रेवी हो वही ऐड कर दूँगी। Tell me, who are the mammals? Should I tell you? Mammal. Should I tell you? Amphibian? Amphibian. Yeah. Who is amphibian? Frog. Frog. And mammals? Because frog is elephant. Because elephant, frog human. Huh? Give birth to young ones. And frog lay animal. Mammals. Elephant. And elephant. Mama? And reptiles? Reptiles? Wait, let me tell you this for that. See, frog lay egg under the water. Teacher said they lay eggs. And reptiles? Reptiles? Mama, anything? Turtle. Should I tell you something of reptiles? Yeah, reptiles. Reptiles is a crocodile. Yeah. And snake. Yes. And you know fish is shark. Shark. And all. Because fish lays egg. But fish lay tiny egg, right? Yeah, tiny egg. Yeah, tiny. So you finish your study? Yeah, and tiny fish will come out. Then it will become too medium. Okay, चलो close it, go. सो गाइस, स्कूल से आने के बाद हनी बनी को खिलाया, पढ़ाया, डिनर भी कर लिया है, मतलब बना लिया है, खाली रोटी बनाना बाकी है। एंड यहाँ आज के जो कपड़े धुले थे वो मैं फोल्ड कर रही हूँ। एंड आप खुद देखिए बालों को कितना ज़्यादा, मतलब अच्छा शाइन आ रहा है ना, आप देखिए। एंड मेरे हेयर्स जो इतने ड्राई एंड रफ है वो छूने पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं, तो मुझे तो बहुत पसंद है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार, विंटर में ज़रूर ट्राई करना, स्पेशली इनके हेयर में डैंड्रफ है ना, ज़रूर एक बार ट्राई करना। एंड हाँ, मैं जैसे करती हूँ ना, एक पहले शैम्पू कर लेती हूँ, क्योंकि शैम्पू करने से फॉलिकल्स ओपन हो जाते हैं एंड मास्क अच्छा काम करता है। शैम्पू कर लेती हूँ, देन थोड़े से गीले हेयर में ये मास्क अप्लाई करके छोड़ के, देन धोते टाइम थोड़ा सा और कोई भी माइल्ड शैम्पू थोड़ा सा और लेके बस मैं वॉश कर लेती हूँ। अगर आप दो दो बार शैम्पू करना नहीं चाहते हो, देन अगर आपके हेयर्स क्लीन है, मतलब एक आध दिन पहले आपने शैम्पू किया है, तो डायरेक्ट आप ड्राई हेयर्स में भी इसको अप्लाई कर सकते हो। देन बस धोते टाइम हल्का सा शैम्पू लेके बस ऐसे ही थोड़ा करके आप उसको क्लीन कर लीजिए, अच्छा लगेगा, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो बस यही है गाइस, अभी ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है, तो बस मैं ये कपड़े फोल्ड करूँगी, घर पे थोड़ा फ़ोन करूँगी, क्योंकि यही टाइम, मतलब कपड़े फोल्ड करते रहे मैं अपना बहुत सारा काम कर लेती हूँ, कि हाँ घर पे फ़ोन करना, कुछ मुझे देखना हो इंटरनेट पे,
तो ये सब कर लेती हूँ। हनी बनी गई अपना खेलने के लिए। बस मैं वेट कर रही हूँ वो बेबो का, वो जो ड्रेस मैंने ऑर्डर किया था ना वो आ जाएगा तो मैं उसको पहना दूंगी। देखती हूँ वो आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पे देखिए हमारा मेन्यू बिल्कुल चेंज हो गया है। रोटी की जगह पे यहाँ पे राइस हो गया है एंड आलू दम की जगह पे यहाँ पे एग करी हो गया है। ये देखिए मैंने अपने लिए निकाल दिया है। एक्चुअली काफ़ी मतलब हो गए जितने शायद फ्राइडे सैटरडे को ऐसे कुछ खाया होगा नॉनवेज, तो उनका आज अंडा खाने का मन था तो मैंने जो आलू दम बनाया था उसमें एग बॉयल करके उसमें ऐड कर दिया ताकि हनी बनी और जीत भी खा लेंगे। एंड मेरे लिए मैंने अलग से निकाल दिया है। बाकी ये होगा तो वो मैंने ज़्यादा थोड़ा अंडा बॉयल करके ऐड कर दिया तो उनको कल टिफ़िन भी दे सकती हूँ मैं। प्यार देखिए उसके गले में वो कोन लगा ना तो वो अपना ईयर वगैरह वो फेस वगैरह क्लीन नहीं कर पाती है तो सिम्बा उसको करके देता है और ये उसके पास में चिपक के सोती है और कभी कभी ये भी उसको ऐसे चाट के क्लीन कर लेती है। मेरी बच्ची और मेरा राजकुमार। सो गाइज मैंने जो आपको बताया था कि आफ्टर सर्जरी सूट मैंने बेबो के लिए ऑर्डर किया था कि वो कोन में निकाल दूँ तो सुबह ये वाला साइज़ डिलीवर हुआ था, ये लार्ज साइज़ था तो ना, बट ये ज़्यादा लंबा है एंड जब वो पहन रही है ना, जब वो चल रही है ना पहन के तो उसका पीछे वाला जो पैर है ना वो निकल जा रहा है तो ये बिल्कुल कपड़ा निकल आ रहा है तो फिर मैंने उसको पहनाया था तो निकाल दिया। फिर मैंने सोचा कि ये इतना बड़ा है तो मैं स्मॉल साइज़ मंगवा देती हूँ, मीडियम शायद भी ठीक हो मतलब लंबा होगा तो मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था ये तो मैंने स्मॉल साइज़ एक दूसरे ब्रांड का मंगवाया क्योंकि मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये वाला कॉलर। तो स्मॉल साइज़ देखिए ये कितना छोटा आया है, कितना छोटा, कितना डिफरेंस है देखिए। तो इसीलिए फिर क्या करूँ, फिर ये तो उसको होगा नहीं तो इसको भी रिटर्न में डालूँगी, उसको भी रिटर्न, इसको तो ऑलरेडी डाल दिया रिटर्न के लिए, इसको भी अभी रिटर्न करूँगी। नेक्स्ट पता नहीं, मैं देखती हूँ उसका। मैंने वो घाव भी आज थोड़ा देखा था, जो स्टिचेस वो काफ़ी हद तक सूख गए हैं, मतलब अच्छा हो गया है तो अगर और एक दिन ये ऐसे कोन लगा के रह जाएगी ना तो शायद हो जाएगा क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा साइज़ का। मैंने देख के पढ़ के नाप के मंगवाया फिर भी ऐसा आ रहा है, लार्ज और स्मॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो क्या करें। तो वो सब छोड़िए, इन दोनों को देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं। सो गाइस कल आप जिससे मिले नहीं थे आज गाइस नमस्कार अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, तो कैसे हैं आप? दाढ़ी शेव करके आए हैं, अभी कलर करेंगे। अच्छा सब सफेद हो गया है भाई, घर में सफेदी होती है दिवाली वाली पे तो दाढ़ी पे क्यों नहीं हो सकती। चलिए गाइस हम लोग खाना वाना सफेद हो जाए तो फिर सब मजेदार से आइए, जो दो चार बार सफेद होते हैं बड़ा बिल्कुल सफेद का भी टाइम आएगा। सुनो आप वैसे उतावल क्यों हो रहे, वो भी आएगा टाइम। बड़ी खुश है, बड़ी खुश है। मेरा तो तुम्हारे, नहीं तुम्हारे हेरिडिटरी, हमारा हेरिडिटरी कुछ और है। मोटापा चलो बढ़िया भाई, ये तो सफेद ही अच्छा है मोटापे से। ऐसे लगता था ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं। चलिए गाइस, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, ख्याल रखिए। Bye-bye. Bye.